संत पौलुस दा तीतुस नु पत्तर। अध्याय पहला। पौलुस जो परमेश्वर दा दास अते यीशु मसीह दा संदेश वाहक है वल्लों मैनू परमेश्वर दे चुने होए लोकां ते विश्वास दी उसारी करन अते साडे धर्म दे सत नू उन्हां ते प्रगट करन दे लई कल्लिया गया जिस दा आधार अनंत काल तक रहण वाली उम्मीद है। इसे दी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अनंत काल तो कीती सी अते ओ अपने वचन नू रखण विच भरोसे योग है। ऐसे लई साडे मुक्ति दाता परमेश्वर ने अपने मिथे समय ते अपने संदेश नू प्रगट कीता है। उसने मैनू उसदे प्रचार दी सेवा दे कम नू सौंपे जाण दी आग्या दित्ती है। मैं तैनू अर्थात तीतुस नू जो विश्वास वल्लों मेरा सच्चा पुत्तर है ए लिख रहा हां। साडे परमेश्वर पिता अते मुक्तिदाता मसीह यीशु वल्लों तैनू किरपा अते शांति दा दान मिले। तीतुस दा करेत विच कम। मेरा तैनू करेत विच पिछे छड्डण दा उदेश एही सी जो कम बाकी रह गया है अर्थात हर नगर विच बुजुर्गां दी थापणा दा तू उसनू पूरा करे। ए करदे समय मेरियां दसियां हदायतां नू ध्यान विच रखना। इस काम दे लई चुनिया हर मनुख निकलंक होना चाहिदा है। उसकी एक पत्नी होवे, उसके बच्चे विश्वासी होन, जो हर तरह के बुरे आचरण तो रहित होन, अते जिन्ना दी रहनी बहनी नेक होवे। इसे तरह आत्मक रखियक जो परमेश्वर दे घर दे लोकां लई जिम्मेवार है ओ भी निकलंक होवे। ओ हंकारी ना होवे अते ना ही गुसैले सुभा वाला, ना ही शराबी, ना ही झगड़ालू अते ना ही धन माल नू प्यार करन वाला। सगों ओ मेहमान नवाजी, भलाई पसंद, आत्म संजमी, न्या पसंद, श्रद्धालू अते आपे ते काबू रखन वाला होवे। उसनू वचन संबंधिया भी पक्या होना चाहिदा है ता जो उसते पूरन भरोसा कीता जा सके अते ओ साडियां धार्मिक सिखियावां ते पूरा उतरे अते ओ विरोधियां दा दोष भी प्रगट कर सके। बहुत सारे लोग एहो जिहे भी हन जो मूंह जोर वाधू गल्लां करन वाले अते धोखेबाज हन। खास करके एहो जिहे लोग यहूदी मसीहियां विच बहुत सारे हन। इन्हां दे मूंह बंद करने जरूरी हन क्योंकि एही लोकी पूरे घरां नू केवल नजायज पैसे दी खातर उन्हां सिखियावां दे राही खराब कर रहे हन जो उन्हां नू नहीं देणियां चाहीदियां हन। इस बारे उन्हां दे ही एक करेती आदमी जिसनू ओ नबी मनदे हन ने कहा है, करेत निवासी हमेशा झूठे घातक जानवर अते विलड़ पेटू हुंदे हन। ए कहावत है भी सच। इसलई तुहानू उन्हां नू सख्ती नाल झिड़कना चाहिदा है ता जो ओ विश्वास विच अटल रहन। तुसी यहूदियां लई रवायती कहानियां जां मनुखां दियां सिखियावां ते ध्यान ना देवो जो सत नू रद्दे हन। जो आप शुद्ध हन उन्हां दे लई सब कुछ शुद्ध है, पर जो आप अशुद्ध जां अविश्वासी हन उन्हां दे लई कुछ भी शुद्ध नहीं है क्योंकि उन्हां दे मन अते अंतःकरण दोवें अशुद्ध हन। ओ परमेश्वर नू जानण दा दावा तां करदे हन पर उन्हां दे कम इस नू झूठ सिद्ध करदे हन। गल की ओ अति घृणा योग हन। ओ ना आग्या मनन वाले हन अते ना ही किसे भले कम नू करन दे जोग हन। अध्याय दूजा। नरोई सिखियावां। ए हुण तेरे ते है कि तेरे उपदेशां दा आधार नरोई सिखियावां होण। बजुर्गां नू सिखा कि ओ संजमी, विचारवान, आपे ते काबू रखण वाले, विश्वास विच पक्के, प्यार करन वाले अते धीरजवान होण। ऐसे तरह बजुर्ग औरतां नू कि ओ हर तरह दी रहनी बहनी विच सत्कार जोग होण। ओ किसे भी तरह दी निंदा दे जोग ना बनन अते ना ही किसे तरह दे नशे दियां आदि होण। ओ केवल भली सिखिया ही देण अते जवान पत्नियां नू इस तरह तैयार करन कि ओ अपने पतियां अते बच्चियां नू प्यार करन वालियां, अपने ते काबू रखण वालियां, शुद्ध नेक घर वालियां, नमर अते अपने पतियां दिया आग्या मनन वालियां बनन ता जो परमेश्वर दे वचन दी निंदा ना होवे। इसे तरह जवान आदमियां नू भी सिखा कि ओ अपने आप ते काबू रखण वाले बनन।
तैनू तेरे हर कम विच दूजियां दे लई एक नमूना बनना चाहिदा है। अपने सिख्या देन दे कम विच वी तैनू ईमानदार अते गंभीर होना चाहिदा है। गल की जो कुछ भी तू बोले ओ इन्ना नरोया होवे कि कोई भी उसते नुक्ता चीनी ना कर सके अते तेरे वैरी उसदे विरुद्ध कुछ ना बोल सकन कारण शर्मिंदे हो जान। नौकर अपने मालकां दे हर गल विच आग्याकार रहन, ओ हर तरह नाल मालकां दियां इच्छां पूर्ति करन अते किसे तरह दा अगों ना विच उत्तर ना देन अते ना ही किसे तरह दी चोरी करन, सगों ओ ए सिद्ध करन कि ओ हर गल विच भरोसे योग हन तां जो ओ अपने हर काम द्वारा साडे मुक्ति दाता परमेश्वर दी सिख्या लई लाभकारी सिद्ध होन। परमेश्वर दी कृपा सब मनुख जाति दी मुक्ति लई प्रगट होई है। इस तानू सिखाउंदी है कि असी सब अधर्म ते संसारक इच्छावां नू ऐसे जीवन विच ऐसे कड़ी विच त्याग देईए अते संजमी भला अते पवित्र जीवन गुजारीए जदों कि असी उस मुबारक उम्मीद दे पूरे होण दी उड़ीक विच हां। उस समय साडे महान परमेश्वर अते मुक्तिदाता यीशु मसीह दी महिमा एक वारी फिर प्रगट होवेगी। उसने अपने आप नू साडी खातर कुर्बान कर दिता कि ओ सानू छुटकारा देवे, हर तरह दी अशुद्धता तो साफ करे अते सानू अपने पवित्र लोक होण दे लई चुने कि असी हर तरह दी भलाई करन दे लई तैयार रहिए। सो इस तरह ए सब है जो तैनू दूजियां नू सिखाउणा चाहिदा है। इस लई तू उन्ना नू उत्साह दे अते झिड़क वी, तू हर गल नू पूरे अधिकार नाल कह। ध्यान रख कि कोई तेरे ते किसे तरह भी उंगली ना चुके। अध्याय तीजा, मसीही रहनी बैनी। अपने लोकां नू इस ते लई भी सावधान करदे रह कि अपने अधिकारियां अते सरदारां दे आग्याकारी बन के रहन। उन्ना नू उन्ना दे हर तरह हुकम थले रहना चाहिदा है अते इस दे नाल ही हर एक भले काम नू करन दे लई भी तैयार रहना चाहिदा है। ओ किसे दी भी निंदा ना करन, ना किसे नाल झगड़ा करन, सगों ओ हर एक नाल समझदारी वाला अते नम्रता वाला वर्ता करन। एक समा सी जदों असी आप भी मूरख अते आग्या ना मनन वाले सां, असी भी अपने असली राह तो भटक गए सां अते कई तरह दियां इच्छावां अते मजियां विच गुआच गए सां। असी एक दूजे दे वैर अते निंदा विच जीवन गुजार रहे सां। उस समय असी दूजियां नू नफरत करदे सां अते दूजे सानू। पर जदों साडे मुक्ति दाता परमेश्वर ने अपनी दया अते प्यार मनुख जाति दे लई प्रगट कीता तां उसने सानू बचाया। इह साडे किसे भले काम दा सदका नहीं सी, सगों इस लई कि ओ आप दयावान है। असी तोते जान दे राही नवा जन्म प्राप्त कीता अते पवित्र आत्मा दे राही नवा जीवन, क्योंकि परमेश्वर ने साडे मुक्ति दाता यीशु मसीह दे राही बहुतात विच पवित्र आत्मा दी दात सानू मुफ्त दित्ती है। इसे तरह उसने अपनी कृपा द्वारा साडा परमेश्वर दे नाल उचित संबंध कायम कीता है अते सानू अनंत जीवन दे प्राप्ति दी पक्की उम्मीद दिवाई है। ए शब्द विश्वास जोग हन। मैं चाहुंदा हां कि तू इन्हां गल्लां ते खास जोर देवें तां जो ओ जो परमेश्वर ते विश्वास कर चुके हन ओ भले काम करन दे वल ध्यान देन। ए सब भला है अते लोकां दे लई लाभकारी भी है। पर मूर्खां वाली बहस तों, जात पात दे संबंधां तों, आपो विचली दुश्मनी तों अते नेम संबंधी झगड़ियां तों बचो, क्योंकि ए सब व्यर्थ अते वादू हन। फसादी आदमी नू घट तो घट दो वार चेतावनी देवो, उस दे पिछों उस नाल कोई संबंध ना रखो। तुहानू ए वी पता होना चाहिदा है कि एहो जिहा आदमी उल्टी समझ वाला है अते ओ आप ही अपनियां नजरां विच अपने पाप कारण दोषी ठहरदा है। अंतम हदायतां अते नमस्कार। जदों मैं तेरे कोल अरतियास जां तुथियुस नू कल्ला तां तू मेरे कोल निकोपोलिस विच आउण दी पूरी कोशिश करना,
क्योंकि मैं उठे ही सारा सियाल कट्टन दी सलाह कीती है। तू नेम शास्त्री जेनश अते अपुलोस दोहां दी उन्हां दे अगले सफर दी तैयारी विच पूरी पूरी मदद करना, उन्हां दियां सब लोड़ां दा पूरा पूरा ध्यान रखना। साढ़े अपने लोग भी अपने आप नूं लाभकारी कम्मां विच लाउणा सिखन तां जो उह अपनी लोड़ां नूं पूरा कर सकन। उह किसे तरह भी अपना समां एवें ना गवाउण। मेरे सब इत्थे दे साथी तैनूं नमस्कार कहिंदे हन। साढ़े सब विश्वासी भरावां नूं साडा नमस्कार कहना। तुहानूं सब नूं किरपा दा दान मिले।